एक दूजे के वास्ते। आपने आज तक एक बात नहीं सीखी कि चलती सिर्फ उसी की है जिसकी किस्मत अच्छी हो। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर कोई बात नहीं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है ना। इंसान अक्सर अपने सपनों के सहारे जीते हैं। किसी को बड़ी नौकरी चाहिए, किसी को प्यार, तो किसी को पैसा। श्रवण ने भी तो यही कहा था कि वो अपने सपने को जीना चाहता है, पर कौन सा सपना? एक ऑपरेशन में जाकर देश के लिए लड़ने का, या कुछ भी करके शहीद हो जाने का? जो पहले सपने के लिए जीता है वो बहादुर है, और जो इन दोनों के बीच में है वो होता है सनकी। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है। कई बार मेरा मन किया कि श्रवण को पकड़ के बहुत जोर से बस झंझोर दूं उसे, चिल्लाऊं, पर कहूंगी क्या पता नहीं। कितनी अजीब बात है, जिस दिन से श्रवण वापस आया मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि बस किसी भी तरह इससे पीछा छूटे, कहीं भी जाए बस यहां से चला जाए। यस सर, मैं कल 6 बजे से पहले वहां रिपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और आज जब वो सच में चला गया तो इतना खराब क्यों लग रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी बात अधूरी रह गई, या इसलिए कि जो भी पूछना था उसके लिए मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई? क्यों इतना खराब लग रहा है? सवालों से जैसे घिर गई हूं, या शायद सिर्फ खुद को झंझोड़ने की जरूरत है। फिर सवाल जवाब पता नहीं किसके पास है। हाय सुमन, प्लीज मेरा रूम लॉक कर देना। आज के बाद वीर के अलावा और कोई भी इस घर में मेरे रूम में बिना नोक के नहीं आएगा। सुमन, मेरा रूम लॉक कर देना। जैसे कि अगर ये नहीं बोलता तो हम तो सीधा इसके कमरे में घुसकर तलाशी लेने वाले थे ना, और अगर तलाशी लेते भी ना फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला था। इतना बिखरा हुआ कमरा है कि अंदर हाथी भी खो जाए। और अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो खुद लॉक करके जाओ ना। नहीं, ऐसा क्या रखा है अपने कमरे में? ये लो सैंडविच दो उसको। डमरू भैया, आपको पता है ना कि मशरूम से सीवियर एलर्जी हो जाती है, पता है ना? किसको? जब आपको पता है कि श्रवण को मशरूम से एलर्जी है फिर भी आपने ब्रेकफास्ट के लिए मशरूम ही बनाए, तो थैंक गॉड श्रवण यहाँ नहीं है, वरना। जी मैं। बेटा सुमन, श्रवण रात को पार्टी से घर नहीं आया क्या? सुबह देखा मैंने, उसका दरवाजा भी लॉक था, मेरे को लगा कि कहीं काम से गया होगा। हाँ चाची, कल रात को ही अचानक उसके सीओ का कॉल आ गया था तो वो उसी वक्त निकल गया। ऐसा अचानक क्या हो गया? कुछ बताया उसने? और कब तक लौटेगा वो? कुछ नहीं पता चाची, मैं अभी आती हूँ। श्रवण तो अपने काम से गया, पर अचानक से इससे क्या हो गया? प्यार में अक्सर जो बातें प्रेमी एक दूसरे से कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, तब मदद लेते हैं संगीत, गानों की। दोस्तों, गीत
के बोल दिल का सब हाल बयान कर देते हैं। ऐसा ही हमारा अगला गाना है, एक दूजे के वास्ते। और दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की है इंदौर से वैष्णव, रजिया, मीरा, माया और श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना। हाँ प्लीज बहन, आवाज बढ़ा देना, कितना अच्छा गाना ना। यस हेलो, हूज दिस? अरे वाह, मेरे जाते मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया। ओ श्रवण, वो सॉरी, मैंने अपना फोन नहीं देखा, कुछ काम कर रही थी ना। तुम बोलो, कोई काम था क्या? हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम तो था, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो। नहीं नहीं, तुम ऑर्डर करो ना, उसी के लिए तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मेरी लाइफ में तो कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं जिसके लिए जब भी तुम्हारा फोन आए मैं बस दौड़ने के लिए तैयार। तुम ऑर्डर करो, बोलो। सच्ची मेरे ही फोन का वेट कर रही थी क्या? तुम्हें अपना काम बताना है या मैं अभी फोन रखूं? सुमन सुमन, आई नो तुम इस वक्त बिजी हो, पर क्या तुम दो मिनट का टाइम निकाल के अभी मेरे रूम में जाओ? सुमन प्लीज ना। क्यों, मैं क्यों जाऊं? कोई तुम्हारे रूम में ना चला जाए इसीलिए तुमने अपना रूम का लॉक करवाया था, भूल गए तुम? सुमन, अच्छा लिसन सुमन, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता। अच्छा एक काम करो, एटलीस्ट मेरे रूम में जाके अलमीरा से उसकी कुछ फोटोज क्लिक करके भेज दो फाइल की। क्यों, मैं क्यों करूं तुम्हारी कोई भी हेल्प? पहले तो पार्टी से बिना बताए सीधा कैंट चले गए और फिर वहां से सीधा अपनी कमांड, और हम लोग तो बस। अच्छा सुमन प्लीज, अगर इतना अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता, और ये तुम्हारा एहसान होगा हमेशा के लिए मुझ पे। भेजियो तुम्हारी फोटो, कॉल पर ही रहो। अब एहसानों की बात करने लगे कैप्टन शाह, कौन कौन से गिनवाओ इन्हें। हाँ आ गई अंदर, बोलो। अब एक काम करो, मेरी अलमारी खोलो और राइट साइड के कोनों में देखो। यहाँ तो तौलिया पड़ा है श्रवण। नहीं नहीं, तुम उसे क्यों छू रही हो? मैं जब रास्ता बता रहा हूँ ना तो अपने आप क्यों तुम? अपने आप जो तुम जीपीएस से मुझे डायरेक्शंस दे रहे हो ना उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपना मैप ठीक करो। रुको, ये मेरा तौलिया है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा तौलिया यूज करने से पहले पूछा तुमने? मेरी दोस्त का तौलिया, मतलब मेरा तौलिया? नहीं। हाँ पता नहीं कहाँ चलेगी, मेरे रूम में। श्रवण ये नहीं, नहीं नहीं, वो तुम्हारा टॉवल नहीं है, मैंने उसका डस्टर बना के फेंक दिया था, ये मैंने नया लिया, ठीक है? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तौलिये के बारे में बात कर रही थी? अच्छा बोलो, अच्छे से बताओ कि किस रैक पे है। हाँ वो तुम एक काम करो, राइट साइड के कोने में सबसे ऊपर वाले रैक में देखो। ब्राउन फाइल? हाँ हाँ वही वही वही। अभी एक काम करो, उसका पेज नंबर 789 खोलो, उसकी फोटो क्लिक करो और मुझे मेल कर दो। अच्छा एक मिनट होल्ड करो। डन, एक बार अपना मेल चेक कर। ठीक है, अभी एक काम करो, वो फाइल बंद करो, वापस रैक में रखो और मेरे रूम। तुम्हारा काम हो गया ना, जो चाहिए था वो मिल गया ना, अब फोन रखो। इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता पता है मुझे, तुम्हारे जीपीएस की जरूरत नहीं है। बाय। पेपर्स लेकर इतने डेंजरस मिशन पे चला गया और एक बार मेंशन तक नहीं किया। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो क्या पता,
पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। जब पता था कहां जा रहा है तब भी बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं कहा, और मैं तो उसे मेरे ऑफिस में तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो तो कॉफी तो पिलाऊंगा। पियो और बताओ कैसी बनी। वेल डन मिस्टर लॉयर, आज पहली बार अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाई है। हाँ लगता है सुमन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही है। अरे बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली सुमन ना बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। अच्छा विक्रम एक बात बताओ, तुमने सुमन से उसकी पुरानी लव स्टोरी के बारे में तो पूछा होगा ना। हाँ लेकिन सोफी मुझे उसके पास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई नो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल सुमन ने श्रवण के बारे में कुछ तो बताया होगा ना। बताओ ना, इतना भी क्या सीक्रेट है। अरे कोई सीक्रेट नहीं है, एक्चुअली क्या है कि वो सुमन के लिए ना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे वो होता है ना बचपन में क्रश हो जाते हैं लोगों को, किसी को टीचर को जाता है, किसी को नेबर को जाता है, बस ऐसे ही सुमन को श्रवण पे हो गया था, बचपना था खत्म हो गया। क्या हुआ, तुम्हें श्रवण ने कुछ और बताया क्या? आज हम दोनों एक्सेस होके कैसे अपने करंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो सोफी तुम बात मत बदलो, तुम्हें श्रवण ने कुछ और बताया क्या? रिलैक्स विक्रम, श्रवण ने मुझे यही बताया। तो फिर एक्चुअली तुम श्रवण को जानते हो ना, व्हाट ही थिंक्स व्हाट ही फील्स कभी शेयर नहीं करता। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वो बंदा है कैसा, एंड सुमन से पूछना नो वे, उसे बेटर मुझे तुमसे पूछना लगा। आई होप यू डोंट माइंड। हां बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो श्रवण का क्या है ना, वो ज्यादा खुल के बात नहीं करता, लेकिन हाँ मैं इतना 100% श्योर कि वो बंदा ना बहुत सही है। वैसे विक्रम, लाइक श्रवण इज आउट ऑफ टाउन, सो यू मी सुमन कहीं बाहर चलें क्या? या ग्रेट आइडिया, या सो कॉल सुमन। हाँ लेट्स फाइंड आउट वो श्रवण के बिना आती है या नहीं। कितना सीरियस था ये चाइल्डिश क्रश? सुमन, सुमन। हाँ कब से शोर मचा रहा है तेरा फोन, ध्यान नहीं दिया तूने? हाँ विक्रम। सुमन मैं क्या सोच रहा था कि तुम भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ तो हम कहीं मिलते हैं ना, एक्चुअली सोफी भी है तो। मैं बिजी हूँ, अब आज का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट्स ओके सुमन, अगली बार प्लान करेंगे। यू टेक केयर, बाय। थैंक्स, बाय। तूने झूठ क्यों बोला विक्रम से? पता नहीं मतलब आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव नहीं कर रही है तू? कोई स्पेशल ओकेजन? क्यों, अब जरूरी है कि हर वक्त बस बिना बात के खीखी करती रहूं मैं? अब आज ऐसा है मूड मेरा तो क्या करूं? नहीं था मान जाने का इसलिए मना कर दिया। विक्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू क्यों बिना बात के जजमेंट दे रही है? सुमन तू ठीक है ना? हाँ वो नहीं, इट्स ओके, तो फिर कभी प्लान कर लेंगे। या श्योर। अब तो डेफिनेटली पता करना पड़ेगा कि कौन सी पुरानी बातें हैं जो अपनी नहीं चाहती थी बाहर आई। सॉरी श्रवण, पर आज एक ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं किया तुमने। सीक्रेट मिशन पर चले गए और बताना भी जरूरी नहीं समझा कि कितना डेंजरस होगा ये मिशन।
कहीं तुम्हें कुछ नहीं। अब जब वापस आओगे ना तो यहां तुम्हें कैप्टन सुमन नहीं वही पुरानी सुमो मिलेगी जिसे तुम शायद भूल चुके हो। नहीं श्रवण, आज जो तुमने किया है उसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हें। तुम ठीक तो हो ना श्रवण? फोन भी नहीं उठा रहे। प्लीज बी ओके। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.